अस्सलामुअलैकुम। मैं सबसे पहले प्रेस और मीडिया का और वक्फ बोर्ड के अहदेदारान का शुक्रिया अदा करता हूं कि देखिए 5 तारीख के दिन जो है आशू खान शहजादे कासिम वाक़ मिटपल्ली कमान के अंदर जो है एक कदीम जो 200 साल आशू खाना था उस आशू खाने के खुली आराजी थी जिसको मास्टर प्लान में ले लिया गया उसी का जो तो मैंने वहाँ के मुकामी लोगों को भी इत्तला किया। और आज 7 जुलाई को सुबह में मैंने जो है तो वक्फ बोर्ड में जाकर जो तो कंप्लेन किया और वहाँ पर जो है तो वक्फ बोर्ड के अहदेदारान से मुलाकात किया और इसकी इत्तला जो है तो मैं हमारे हॉनरेबल मेंबर मौलाना निसार हुसैन हैदर आगा साहब को भी दिया जो इस वक्त जो है वो हैदराबाद में नहीं है, वो आंध्र प्रदेश में एक कॉन्फ्रेंस में गए हुए। उन्होंने भी जो तो वादा किया वो हफ्ता या इतवार के दिन जो है तो दौरा करेंगे। तो मैं इसी जमन में जो तो वक्फ बोर्ड के अहदेदारान से मुलाकात करके वहाँ पर जो है तो इस आशू खाने के तमाम तफसीलात रखा तो फौरी वहाँ पर जनाब हमारे ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ऑनरेबल DSP साहब और वक्फ बोर्ड के दीगर अहदेदारान के साथ साथ अलीम साहब और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब को भी मैसेज डाला था, वो भी कोई किसी कॉन्फ्रेंस में मसरूब थे और उनके PA जलील साहब उन सब ने जो है तो हमारी इस दरख्वास्त को मैंने मेरी बात को सुना और स्पेशली टास्क फोर्स टीम वक्फ बोर्ड को फौरी जो है तो स्पॉट पे मिटपल्ली उपल के आगे वहाँ पर जो है तो कमान के पास आशू खाने का दौरा किए। ये देखिए आपके सामने जो हमारे साबिर अली साहब वक्फ इंस्पेक्टर साहब जो है उन्होंने आके वहाँ पर पूरी रिपोर्ट ली है और कई उनके साथ अहदेदार थे और वहाँ की जो ज़मीन जो आशू खाने की गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया उसके खिलाफ भी उन्होंने कंपोजिशन के लिए दरख्वास्त देंगे और आशू खाने की तामीर के लिए और वहाँ की जो 2500 ज़मीन के ऊपर टास्क फोर्स के इंस्पेक्टर साहब साबिर अली साहब ने जो तहकुन दिलाया और हमारे को उम्मीद है कि DSP साहब और दीगर वक्फ बोर्ड के अहदेदारान हमारी इस रिपोर्ट को जो आज इंस्पेक्शन किए और वो इंस्पेक्शन के बाद इंशाल्लाह इस पर जो है कानूनी कार्रवाई करते हुए एग्जीक्यूशन भी दिलाएंगे उसका ग्रांट भी दिलाएंगे और आशू खाने को यह तो धक्का लगने भी नहीं देंगे उसका तहफ़ करेंगे। वहाँ पर जो है तो 24 आवर निगरानी रखी है और ये मुतवलियाँ भी वहाँ पर मौजूद थे बिक्कू साहब शेख बिक्कू साहब आरिफ साहब हमारे इमरान साहब इरफान साहब वहाँ के जिम्मेदारान आज जब वक्फ बोर्ड के अहदेदारान आए और हमारे साथ जो है तो विज़िट किए और मैं इन चंद ख्याल के साथ मैं सैयद हामिद हुसैन जाफरी वक्फ बोर्ड के अहदेदारान का जो साबिर अली साहब आज के इंस्पेक्टर टास्क फोर्स वक्फ बोर्ड दौरा किए और ये यकीन दिलाए कि वो MRO से बल्दिया से और कलेक्टर से इसका कंपोजिशन दिलाएंगे और अगर ज़रूरत पड़ने पे वक्फ बोर्ड से भी ग्रांट जारी करके इसका तहफ़ करेंगे। मैं इन ख्याल के साथ इंशाल्लाह कल फिर जुमे को भी जो है तो हमारे चेयरमैन वक्फ बोर्ड से और CO साहब से भी मुलाकात होंगी और हमारे ऑनरेबल मेंबर साहब से भी मुलाकात होंगी और उनको भी रुझान बताया जाएगा और साथ ही साथ हमारे ऑनरेबल MLC साहब जो कई एक आशू खानों के लिए तामीर तरमीम के लिए खुसूसी ग्रांट मंजूर कराते हैं मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी जो है तो इस आशू खाने के लिए खुसूसी ग्रांट मंजूर कराएंगे। मैं उनको भी जो है तो इस विजिट के ऊपर लेकर आऊँगा। मैं सैयद हामिद हुसैन जाफरी प्रेस और मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ।